कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 85,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, वहीं करीब 3,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन से फैले इस वायरस से मरने वाले लोग भी ज्यादातर इसी देश से हैं, और इसके बाद दूसरे नंबर पर ईरान है। रिपोर्ट की माने तो ये करीब 50 देशों में फैल गया है। इस वायरस से निपटने के लिए हर देश बड़े फैसले ले रहा है, उन्हीं में से भारत भी एक है। वहीं कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट, फैशन शो भी इसके चलते रद्द कर दिए गए हैं, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। भारत भी इसे लेकर काफी सतर्क है। हालांकि केरल में 3 लोगों की पहचान कोरोना संक्रमित के रूप में हुई थी, लेकिन अब 3 स्वस्थ हैं। ईरान में भी ये वायरस सक्रिय है, जिसे देखते हुए ईरान से भारत में आने वाले लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। यानी कि कोई भी नागरिक जो ईरान से भारत आना चाहता है, उसके आने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। थल, जल और वायु सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन के वुहान शहर से फैला ये वायरस सी फूड खाने से इंसानों में फैला है। वहीं इससे बचाव के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इससे बचने के उपाय बताए गए हैं, ताकि आप इस वायरस से खुद को बचा सकें, जो इस तरह से है। ये वायरस बीमार से स्वस्थ व्यक्ति में तेजी से फैलता है, इसलिए रोगी से दूरी बनाकर रखें। अच्छे क्वालिटी के मास्क जरूर लगाएं। एक ही मास्क को एक दिन से ज्यादा ना पहने। मास्क के बाहरी साइड को बार बार टच ना करें। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और छींके आ रही हैं, तो उससे करीब 2 से 5 मीटर दूरी बनाकर रखें। कम से कम 20 सेकंड तक हैंड वॉश करना ना भूले। WHO के अनुसार इससे बचने के लिए आपको अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश या साबुन और पानी के साथ हाथ धोने चाहिए। साथ ही हाथ साफ करने के बाद हाथों को पेपर टॉवल या वार्म एयर ड्रायर की मदद से सुखाएं। नाखूनों की सफाई रखें। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचें। अगर जा रहे हैं तो मास्क व अन्य सेफ्टी बरतना ना भूले। ये वायरस निजीव चीजों से टेबल, कुर्सी पर भी जीवित रहते हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। अपना खाना, बर्तन और टॉवल शेयर ना करें। घर का साफ सुथरा खाना खाएं। स्ट्रीट फूड खाने से बचें। किन लोगों को अधिक खतरा? ये वायरस उन लोगों को जल्दी चपेट में ले रहा है जो कमजोर इम्यून सिस्टम के हैं। अस्थमा, मधुमेह, कमजोर हार्ट वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट रखने के लिए विटामिन सी युक्त चीजें जैसे बंद गोभी, लेटस, प्याज, नींबू और संतरे आदि जिसमें विटामिन सी भरपूर हो, उसे खाएं। बच्चों को विटामिन डी जरूर दे, यानी कि उन्हें सूर्य की रोशनी दे। खाने में जिंक युक्त चीजें जैसे अदरक, कद्दू के बीज, अंकुरित दालें आदि जरूर खाएं। मनक्का व शहद का 1 टीस्पून सुबह व रात को सेवन करें। बता दें कि अभी तक इस वायरस को रोकने या इलाज के लिए किसी दवा की खोज नहीं हो पाई है, इसलिए एहतियात जरूर बरतें। इसके लक्षण पर गौर करें। तेज बुखार व सिरदर्द, जुकाम, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत चेकअप करवाएं। याद रखें कि इस वायरस से बचने के लिए एहतियात आपको ही बरतनी है।